नमस्कार। इस वक्त हम है छावनी अनाज मंडी में, और छावनी अनाज मंडी में अब धीरे धीरे जो डॉलर चना है उसकी आवक बढ़ रही है। लगातार जो डॉलर चना है वो मार्केट आ रहा है, और धीरे धीरे आवक भी जो है तेज होती चली जा रही है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे आज किस तरह का भाव डॉलर चने का रहा है और कितनी आवक आज मंडी में रही। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोवर्धन अग्रवाल है। जी व्यापारी है गोवर्धन जी। जी आज क्या दाम रहा अधिकतम डॉलर चने का? अधिकतम 11,200-11,300 तक बिका माल ऊपर में, और मीडियम माल की रेंज रही 10,500 से लेके 11,000, 10,800-9,000 ज्यादा बिके। अच्छा, लगातार आवक बढ़ रही है तो इसका कोई खास असर देखना? हाँ, इससे मंदी आएगी और थोड़ा सा यहाँ से 500-100 रुपए और जा सकते हैं। अच्छा, अब लगातार जो है हमारी आवक बढ़ रही है, कौन कौन सी क्वालिटी का डॉलर आता है हमारे पास? नहीं, डॉलर तो एक ही क्वालिटी आती है यहाँ पे, उसके बाद ग्रेडिंग करके उसकी अलग अलग क्वालिटी बनती है। मोटे का बनता 38-40, उसके बाद 44-46, फिर 58-60, उससे नीचे 75-80, उसके नीचे फिर 0, इस तरह से 5-6 क्वालिटी बन जाती है। अच्छा, आने वाले समय में दाम में कोई बढ़ोतरी या गिरावट की? नहीं, अभी तो गिरावट का ही है साहब, तेजी का तो दिखता नहीं है माहौल, क्योंकि फसल बहुत बम्पर है, इस साल डेढ़ दूनी फसल है। अच्छा, और एक्सपोर्ट की संभावना रहती है तो एक्सपोर्ट का कोई असर पड़ेगा हमारे पास? हाँ, एक्सपोर्ट में जो माल बिके हैं वही लोग ले रहे हैं माल, अभी नहीं तो हाजिर में तो पड़ता है नहीं डोमेस्टिक कंडीशन में, तो ये है एक्सपोर्ट में हमको जो है असर देखने मिलेगा। हाँ, एक्सपोर्ट अभी जैसे भी पूरा हो जाएगा 1.5-2 महीने में, उसके बाद फिर बाजार वापस डाउनफॉल जाएगा ये। और अच्छा, मतलब आने वाले समय में हम कहें कि डाउनफॉल जाने की संभावना? हाँ, क्योंकि क्या है, एक तो कीड़े डंक लगने की भी संभावना बढ़ जाएगी, गर्मी आएगी तो उस हिसाब से किसान भी माल बेचेगा, बेचवाले की भी प्रेशर आएगा, और देखा जाए तो सेलिंग भी कम हो जाएगी, ग्राहकी खत्म हो जाएगी, शादी ब्याह बंद हो जाएंगे, ये रहता है। अच्छा, मौसम का कोई असर हमको देखने मिला? हाँ, ये भैया भी बताएंगे ना, इनको भी थोड़ी जानकारी आप आएगी। जी आइए। क्या नाम है? संजय जैन। व्यापारी है? हाँ। क्या भाव गया डॉलर आज? डॉलर बिका 11,000 रुपए। अच्छा, और नीचे में? नीचे में 9,500 से 11,000। अच्छा, लगातार आज कितनी आवक हुई डॉलर चने की? आज 11,000 पूरी आवक। लगातार दाम उतार चढ़ाव की स्थिति में हम देख पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? ये आवक अभी अच्छी रहेगी तो उतार और आएगा, वृद्धि आएगी। अच्छा, एक्सपोर्ट होगा तो फिर कोई संभावना है दाम बढ़ जाए? हाँ, बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट की क्या कंडीशंस रहती है, कैसे एक्सपोर्ट होता है थोड़ा सा बताएं? नहीं, अपना उसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, और अपने यहाँ कौन कौन सी क्वालिटी का डॉलर चना आता है? डॉलर एक ही क्वालिटी का आता है, उसमें बिटकी आती है, रशियन आता है, काटकू आता है, सफेद चने के अंदर 5-6 क्वालिटी आती है। अच्छा, अब धीरे धीरे आवक बढ़ेगी मंडी में? बढ़ेगी ना, अभी तो भाई बढ़ेगी आवक। अच्छा, अधिकतम कितना हमारे पास आएगा जब हम देखें तो? अगर कितने यहाँ पे कम से कम 15,000 कोई डॉलर आएगा। अच्छा, तो निश्चित तौर पे देखा आपने, ये डॉलर चने के जो है व्यापारी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो आवक है वो निरंतरता के साथ यहाँ पर बढ़ेगी, और आने वाले समय में जो दाम में उतार चढ़ाव की संभावना है वो भी यहाँ पर प्रबल होती चली जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का इस पर सीधा असर पड़ेगा। तो आने वाले समय में जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भाव में उतार चढ़ाव की स्थिति भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। इंदौर की छावनी अनाज मंडी से नमन मटके।